गुड आफ्टरनून, मेरी नाइट ड्यूटी शिफ्ट की आपको पता ही, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं चार बड़ा पाव गर्ल जहाँ प्रीतमपुरा में उसका रेडियो देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या हाल है, क्या चल रहा है, घर का माहौल क्या है, उस बारे में हम जानने के लिए चाह रहे हैं। तो गाइस आप बने रहिएगा ब्लॉग में। वाओ कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं, लगे स्टैचू। तो देखिए गाइस, यही वो जगह है जहाँ चंद्रिका जी अपना बड़ा पाव बेचती थी और लाइन इतनी लगी रहती थी, आए मतलब बता नहीं सकती हूँ कितने लोग यहाँ पर भीड़ की उमड़ लगा के रखते थे। लेकिन एक भी अभी देखो कुछ नहीं है, रोड खाली है, बिल्कुल सुनसान रोड दिख रहा है ना आपको गाइस। तो यही चंद्रिका जी अब कहाँ गई, अब वो रेडी लगाएंगी अपनी की नहीं लगाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। एमसीडी वालों ने साफ साफ मना कर दिया है कि अभी कोई ऐसा नहीं, किसी को भी लगाने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं, यही पता है, मैं बड़े मन से एक दिन आई थी, सोच रही थी कि मैं भी बड़ा पाव खाऊंगी ये, लेकिन आना ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। और आज आई हूँ टाइम निकाल कर तो यहाँ देखने को मिला, लोगों से पता किया तो वो यहाँ पर नहीं है, अब वो उनकी रेडी नहीं लगने दे रहे एमसीडी वाले। तो आप देख सकते हो कितना सुनसान, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही रखा है। पहले उनको देखने के लिए, खाने के लिए, पाव खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, भीड़ लगा के रखते थे, लेकिन अभी भीड़ तो क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। देखो यहाँ पर चाय बेचते हैं और आप अंकल को सपोर्ट कीजिए। ये जो बड़े पाव वाली गर्ल थी, ये अंकल वहीं बैक साइड पे चाय बेचते हैं, आप प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए गाइस। तो अंकल जी आप संडे को भी लगाते हो अपनी चाय की, संडे में भी लगाते हो? मैं तो आ ही जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस कितना सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है जहाँ पर चंद्रिका जी आती थी अपनी रेडी लगाती थी, कोई भी इस टाइम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली है रोड भी। और ये अंकल भी बोल रहे जैसे कि यहाँ पर वो एमसीडी वालों ने मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं इनको लगाने देंगे यहाँ पर रेडी। चलो ठीक है अंकल जी, अभी चाय बना दो, चार कप हमारे लिए, अदरक डाल के अच्छी सी बनाना फिर अंकल चाय।